हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेसन था आज का, लेसन नंबर 4, रीडिंग टॉपिक मेन आइडिया, यानी कि मेन आइडिया के लिए रीडिंग करना। जैसा कि क्लास वालों ने आपकी ने इस पूरा पैराग्राफ को कंप्यूटर को रीड किया, फिर उसमें से बताया कि इसका मेन आइडिया कौन सा है और इसका सपोर्टिंग आइडिया कौन सा है। मेन आइडिया वो होता है जो हमारा फुल पैराग्राफ जो हमें बिल्कुल मेन आइडिया होता है, मतलब अगर हम किसी एक ऐसे कह लें कि किसी इंसान की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल लेजी है या उसमें से स्लगिश है या बुरे काम करता है, इस तरह उसकी बहुत सारी जो खामियां उसी में बताएं, तो वो एक बुरा आदमी है, ये हमारा मेन आइडिया होगा। लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली चीजें अलग होंगी कि अगर वो सिगरेट नोशी करता है या फिर शराब पीता है, तो ये सारे उसके सपोर्टिंग आइडियाज होंगे कि ये बुरा काम है, ये बुरा काम है। अगर ये सारे बुरे काम वो कर रहा है तो ये क्या होगा कि वो एक बुरा इंसान है, बुरा आदमी है। इस तरह हर पैसेज का एक टॉपिक होता है, मेन टॉपिक जो एक दो वर्ड का होगा सिर्फ, मेन आइडिया जो होगा वो एक सेंटेंस होगा, लेकिन सपोर्टिंग आइडिया जो होगा वो एक से दो सेंटेंसेस का हो सकता है। ये तो हमने रीड कर लिया था कंप्यूटर वाला, नेक्स्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट ये भी रीड कर लिया था कि कंप्यूटर इज अ मशीन विद एन एंट्रिक नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट स्विचेस और मैग्नेटाइज टिनी मेटल कोर्स। दी स्विचेस लाइक कोर्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग इन वन ऑफ टू पॉसिबल स्टेट्स, दैट इज ऑन और ऑफ। मैग्नेटाइजिंग और डी मैग्नेटाइज द मशीन इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। द बेसिक आइडिया ऑफ अ कंप्यूटर इज दैट वी कैन मेक द मशीन डू वट वी वॉन्ट बाई इनपुटिंग सिग्नल्स दैट टर्न सर्टन स्विचेस ऑन एंड टर्न अदर ऑफ, और दैट मैग्नेटाइज द डी मैग्नेटाइज द कोर्स। यानी कि इसमें सारे में हमें सिर्फ यही बताया है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इसके काबिल है कि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें नंबर्स में, लेटर्स में, करेक्टर्स में। तो ये सारी चीजें हमें इस सारे पैसे से क्या पता चला कि कंप्यूटर इज अ मशीन, कि ये कंप्यूटर जो है, ठीक है। तो ये इसका टॉपिक होगा, अ कंप्यूटर इज अ मशीन। तो मेन आइडिया इसका होगा कि वी कैन मेक द मशीन डू वट वी वॉन्ट इट टू डू, ये इसका मेन आइडिया है। अगर क्योंकि सारे पैराग्राफ में उसने दो तीन सेंटेंसेस में यही बताया कि हम इस कंप्यूटर जो मशीन है इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। मशीन इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट है पैराग्राफ, द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर दिस रीजन कंप्यूटर्स कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम एंड कैरेक्टर कॉल्ड डेटा। अच्छा, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द इंफॉर्मेशन एंड देन सप्लाई रिजल्ट्स ऑन दीज ऑप्शंस। द प्रोग्राम और पार्ट ऑफ इट टेल्स द कंप्यूटर what to do and also provides information needed to solve the problem is kept inside the computer in the place called memory। अब ये सारी बात जो हो रही है यहाँ इसके इसने बात की है मेमोरी की, कि किस तरह से हम किसी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें इसका मेन टॉपिक क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स जिनके पास आउटलाइन नहीं है वो किसी तरह से यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करके आउटलाइंस लें, हार्ड फॉर्म में नहीं तो कम से कम सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एक दफा जब आप लेक्चर ले लेते हैं तो उसको कम से कम एक दफा रिवाइज कर लिया करें, क्योंकि एक दफा जब लेक्चर ले लिया होता है, एक दफा जब आप लेक्चर ले लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होते हैं, तभी आप एक दफा हैंडआउट्स को देख लें अगर, तो कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। द प्रोग्राम विच टेल्स कंप्यूटर वट टू डू एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमरी। यहाँ उसने मेमरी की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। यहाँ अब उसने क्या बताया कि कंप्यूटर की पावर्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या किस किस चीज के ये एबल है, ठीक है। थ्री बेसिस कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, ये इसका मेन आइडिया है। तो टॉपिक हमारा क्या होगा, पावर्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। स्पोर्टिंग आइडिया इसका भी बिल्कुल उसी तरह, कंप्यूटर आर यूज टू कंट्रोल रोबोट्स, जो उसने इसकी क्वालिटीज बताई हैं कि ये कंप्यूटर कर सकता है, ये काम से अंजाम दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है रोबोट्स को, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम को एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इसी, ये सारी चीजें हैं जो इसको कंट्रोल कर सकता है या ये डाटा जो है स्टोर कर सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी, फिर इसके
रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स एंड चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। इस तरह से भी आएगा आपको पेपर में कि आपको पेपर में इस तरह आएगा कि कोई भी पैसेज आपको दिया हुआ होगा, आपने सबसे पहले उसका मेन टॉपिक चूज करना है, फिर उसका मेन आइडिया क्या होगा, फिर उसका सपोर्टिंग आइडिया क्या होगा। तो इस तरह से हो सकता है कि फिर आपके पास इस तरह से MCQs हों जिनमें आपको डिफरेंट मेन आइडियाज या फिर डिफरेंट टॉपिक्स दिए हों कि जो पैसेज अबव है उसका मेन आइडिया या टॉपिक कौन सा ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, आपने प्रेसी की है कभी? प्रेसी करना है, ये सेम वही बात है। अब जो उन्होंने कंप्यूटर के इतने ज्यादा हमें पैसेजेस पढ़ाए हैं, लास्ट में उन्होंने दिया कि अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। अच्छा, अब इसमें से आप बताएं कि ट्रू कौन से हैं, फॉल्स कौन से हैं। ये तो सिर्फ आपको एक्सरसाइज के लिए ही दिया गया है। बाकी इस टॉपिक में आज के लेसन में कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं था। बाकी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे देती हूँ। मैम एग्जाम में जस्ट MCQs होंगे, एग्जाम का सिस्टम का मुझे नहीं पता, BU के क्वेश्चन ही होंगे। जाहिर है ये क्वेश्चन ही है तकरीबन सारा, कि रीडिंग क्यों करनी है या फिर किस तरह करनी है या किसी पैसेज को पढ़ के उसका मेन आइडिया या टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, ये एक क्वेश्चन ही है। और इस तरह पैसेज अगर आपको आए तो आई थिंक ये एक लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। पैराग्राफ को समझ के पूरा पैराग्राफ को कम से कम 2 या 3 दफा आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि उसका मेन आइडिया क्या है, उसका टॉपिक क्या है और उसको सपोर्ट करने वाला आइडिया कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये 3 चीजें होंगी और उसके बाद हो सकता है कि MCQs हों जो जिसमें उन्होंने डिफरेंट MCQs बताए हों कि ये कौन सा जो है वो टॉपिक सूटेबल है इस पैसेज के लिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 5 के साथ। जिस जिसके पास आउटलाइंस हैं वो थोड़ा सा उसको देख ले ताकि आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी इंग्लिश 101 के अलावा 201, 301 और 501 ये सब मेरे पास ही हैं, आपके सिलेबस में है ना ये सारे कोर्सेज। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।